चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जब से कोविड महामारी शुरू हुई है तब से ये चौथी बार ऐसा हुआ जब हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों का आंकड़ा इस लेवल पर पहुंचा है। इनमें ज्यादातर मरीजों की उम्र 65 से ज्यादा है। पिछले एक हफ्ते में मौतों का आंकड़ा 44% बढ़ा है। अमेरिका में 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक 2,705 लोगों की मौत हुई, वहीं 5 जनवरी से 11 जनवरी तक 3,907 लोगों की मौत हुई। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका में ओमिक्रॉन के नए वेरियंट XBB.1.5 का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। उत्तर पूर्वी राज्यों में XBB.1.5 वेरिएंट के 80% मामले हैं। इधर जापान टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को 108,281 नए मामले दर्ज किए गए। राजधानी टोक्यो में 10,727 नए मामले आए। मौत का कुल आंकड़ा 415 रहा। 662 नए लोग अस्पताल में भर्ती हुए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जापान में 15 जनवरी के बाद कोरोना के मामलों में उछाल आ सकता है। चीनी मूल के अमेरिकी हेल्थ एक्सपर्ट्स एरिक फेगलडिंग का कहना है कि XBB.1.5 पिछले BQ.1 वेरिएंट से 120 गुना ज्यादा तेजी से फैलाता है। डिंग ने कहा कि XBB.1.5 कोरोना का एक सुपर वेरिएंट है। BQ.1 जितने लोगों को 26 दिन में संक्रमित कर रहा है, XBB.1.5 उतने लोगों को 17 दिन के भीतर संक्रमित कर रहा है।